हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो लिंग है वो मेन कैरेक्टर के पास आई थी और यहाँ पे कह रही थी कि मेरे पापा को यहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया है, प्लीज प्रिंस यहाँ पे मेरी मदद करो। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बात कर रही हो, यहाँ पे मेरा जो कुक है उसको यहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो देखने के बाद जो लिंग पूरी शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में सोचती है कि जो मेरे पापा है वो यहाँ पे प्रिंस को भाई की तरह मानते पर जो प्रिंस है उनको सिर्फ यहाँ पे कुक की तरह देखते। और अब आगे, और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे ठीक से नहीं गिना, चलो वापस से गिनो और मैं यहाँ पे सोने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे सो जाता है और फिर यहाँ पे अचानक से उठ जाता है और कहता है क्या तुम क्या बात कर रही हो, यहाँ पे जो ब्रदर जाओ है उसको यहाँ पे किसी ने किडनैप कर लिया है। और वो सुनने के बाद जो लिंग और ली यांग होती है वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं पर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है नहीं मैं तो यहाँ पे सिर्फ मजाक कर रहा था। और फिर कहता है इसमें यहाँ पे कोई आशय की बात नहीं है कि जो मैजिस्ट्री यहाँ पे कल्पविलियन नहीं आए थे इसी कारण की वजह से, पर यहाँ पे किस्मत इतनी ज्यादा हिम्मत हो सकती कि वो यहाँ पे इम्पीरियल सिटी में आके हाउस होल्ड के हेड को यहाँ पे किडनैप कर सके। तो वो सुनने के बाद जो लुयांग होती वो कहती है कि प्रिंस आप यहाँ पे एक बात भूलो मत, कल रात को यहाँ पे ब्लैक सोल हॉल से एक बंदा आप पे अटैक करने के लिए आया था। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती वो कहती कि किसको यहाँ पे अपनी जान नहीं पा रही और अपने प्रिंस पे अटैक कर रहा है। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ब्लैक सोल हॉल, अच्छा वापस से ब्लैक सोल हॉल, मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग और लुयांग होती वो कहती कि प्रिंस आपको यहाँ पे टारगेट करने का ट्राई कर रहे हैं। और फिर जो मेन कैरेक्टर उनको समझाने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ पे ध्यान से छोड़ो, तो जब मैं यहाँ पे यंग लिस्ट में आया मैं यहाँ पे सिर्फ सेफ रहना चाहता हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे रोज कुछ नहीं करता, सिर्फ मैं डिलीशियस खाना खाता हूँ और यहाँ पे थोड़ी बहुत वाइन पीता हूँ और मैंने यहाँ पे किसी को भी परेशान नहीं किया, मैंने सही कहा ना। तो वो सुनने के बाद जो लिंग और लुयांग होती वो अपने मन में कहते कि हाँ आप यहाँ पे सही तो कह रहे हो। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो ब्लैक सोल पवेलियन हॉल है वो यहाँ पे पहले एक बंदे को भेज चुका है क्वीनियन माउंटेन पे, क्या उसका यहाँ पे कारण हो सकता है। और देखने तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई इत्तेफाक होगा पर यहाँ पे तुम डीपनेस होते हो तो यहाँ पे कोई कारण हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्लैक सोल हॉल है उसने यहाँ पे ब्लड क्लाउड के बिल्डिंग में यहाँ पे मेरा कोई क्लू ढूंढ लिया हो और वो यहाँ पे मुझे अटैक करना चाहते हो और मारना चाहते हो। और कल रात को जो बंदा ब्लैक सोल से आया था वो यहाँ पे ज्यादा मरना पसंद करता था अपनी जान की भीख मांगने से, और यांग डायनेस्टी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन रहते पर यहाँ पे अंकल जाओ को यहाँ पे किडनैप क्यों किया, उससे अच्छा तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है उनको यहाँ पे कुछ क्यों नहीं किया। और यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी यहाँ पे जो पोस्ट है वो भी काफी यहाँ पे हाई है यांग डायनेस्टी में, पर यहाँ पे अंकल झाओ को किडनैप किया और उनका रिलेशन यहाँ पे मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो ब्लैक सोल हॉल है वो यहाँ पे सिर्फ मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो लिंग और यांग अपने मन में सोचती है कि प्रिंस आप यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे, आप यहाँ पे सबके सामने ऑर्डिनरी पर्सन बन के जी रहे हो और आपको यहाँ पे क्यों कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जो यहाँ पे मैजेस्टी है वो भी यहाँ पे बाहर है और क्या ब्लैक सोल हॉल यहाँ पे मेरे पे अटैक करना चाहता है और यहाँ पे मेरी पावर को रिवील करना चाहता है और यहाँ पे मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा तो जो यहाँ पे अंकल जाओगे उन पे यहाँ पे खतरा बन सकता है और मैं फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी डिलीशियस खाना नहीं खा सकता और मुझे पता करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। और फिर लिंग से कहता है कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे इन लोगों को मार दूंगा और तुम्हारे पापा को वापस लेके आऊंगा। और फिर जो मेन कैरेक्टर अपनी फुल स्पीड से वहाँ से जाने लगता है और जो मेन कैरेक्टर उसकी स्पीड यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और यहाँ पे जो बाहर मेड खड़ी होती है उनको भी सिर्फ यहाँ पे हवा लगती है, उनको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चलता कि यहाँ से क्या निकला। और यहाँ पे जो लिंग है लू से कहती कि यहाँ पे जो प्रिंस है काफी ज्यादा सेंसिटिव नहीं है और जो ब्लैक सोल होल है उसका यहाँ पे कुछ ऐसा करने का तो इरादा नहीं होगा। और वो सुनने के बाद जो लिंग होती वो कहती कि शायद ऐसा हो सकता है कि जो प्रिंस है इस वर्ल्ड में आने से पहले जो उनका वर्ल्ड है उसमें यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानियों से गुजरे और इसलिए उनको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी है और उनका जो स्वभाव है इसलिए यहाँ पे ऐसा है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती वो कहती पर मुझे अचानक से ब्लैक सोल हॉल के बारे में थोड़ा यहाँ पे बुरा लगने लगा है, पर वो यहाँ पे मेरे फादर को क्यों लेके गए होगे। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लुयांग होती वो कहती कि तुमको यहाँ पे बुरा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं,
और प्रिंस ने जैसा कहा, यहाँ पे जो ब्लैक होल है काफी ज्यादा बोर है और यहाँ पे अपने पावर का यूज करके काफी लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहा है और उन लोगों को यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। और उन्होंने यहाँ पे प्रिंस को अफेंड कर दिया और उनका जो भेड़ लग उन पे यहाँ पे मंडरा रहा है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है यहाँ पे अचानक से रुक जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं यहाँ पे मार नहीं सकती कि यहाँ पे जो किडनैपर की पार्टी है वो अंकल जाओ को लेके इतने ज्यादा फास्ट चली गई। और क्या वो लोग यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि मैं यहाँ पे यंग डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के बाहर जाऊँ और मैं यहाँ पे साउथ साइड में ज्यादा दूर जाओगी तो यहाँ पे ब्लैक होल हो जाएगा और क्या वो यहाँ पे मेरा वेट कर रहे आने का और मैं यहाँ पे जैसे भी आऊँ वो यहाँ मुझे अटैक कर सकते और कहते कि मुझे यहाँ पे पहले से प्रिपेयर कर लेना चाहिए और मुझे यहाँ पे साउथ साइड में कोई प्लान बना के जाना चाहिए। पर तब यहाँ पे जो मैजेस्टी उनके पीछे से कुछ ज्यादा फोर्स आ रही होती है और उनके बाजू में से निकल जाती है और यहाँ पे मैजेस्टी को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। और फिर जो मैजेस्टी अपने यहाँ पे तलवार निकाल देती है और उसी साइड यहाँ पे फोर्स पे अटैक करती है और कहती है कि तुम यहाँ पे कौन हो। पर यहाँ पे जो फोर्स होती है पे काफी ज्यादा स्पीड में होती है और वहां से चल जाती है और जो मैजेस्टी का अटैक है यहाँ पे आधे रास्ते में ही रह जाता है। और यहाँ पे वही बंदा अपना मेन कैरेक्टर होता है और कहती है कि यहाँ पे बंदा कितना ज्यादा स्ट्रांग है और वो यहाँ पे डायरेक्ट ब्लैक होल की तरफ जा रहा है और क्या उनका यहाँ पे कोई हेड हो सकता है। और कहती है कि मुझे जल्दी से उसको यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा और उसके पीछे जाने लगती है। और फिर हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे कुछ लोग पोर्टल के सामने खड़े होते हैं और तभी एक बंदा यहाँ पे अंकल झाओ को लेके आता है और यहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि माइल लॉर्ड स्काइलिड्रम के डीमन और जो बंदा होता है यहाँ पे अंकल झाओ को लेकर जा रहा होता है। और यहाँ पे जो अंकल झाओ होते हैं वो कहते हैं कि सारे लोग ब्लैक होल के हैं। और फिर हमको ब्लैक होल को दिखाया जाता है और जो अंकल झाओ होते हैं वो यहाँ पे अपने मन में कहते हैं कि देखने तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 30 और 40 साल पहले यहाँ पे न्यू कंस्ट्रक्शन किया है ब्लैक होल का, क्या यहाँ पे वो ब्लैक होल में कोई परेशानी चल रही है। और मुझे जहाँ तक पता है यहाँ पे जो ब्लैक होल है यहाँ पे 40 साल पहले ही नया बना था। और फिर यहाँ पे जो बंदा होता है वो यहाँ पे अंकल झाओ को ब्लैक होल के अंदर लेके आता है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है माय लॉर्ड मैं यहाँ पे यंग डायनेस्टी से ज़ियाओमिंग को लेके आ चुका हूँ और कहता है मैंने सोचा था उससे तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे उनको फास्ट लेके आ चुके हो और अल्टीमेट तुमको यहाँ पे कोई रास्ते में कोई परेशानी हुई। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड यहाँ पे इस बंदे की जो वाइफ है वो यहाँ पे जो एक्शन है काफी ज्यादा क्विक ले लिए और वो यहाँ पे एम्प्रेस के साथ पूरी इम्पीरियल सिटी में ढूंढ रही है। पर यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी बात है कि उनको यहाँ पे पता नहीं है कि मैंने यहाँ पे हिडन सॉर्ट डिस्टेंट टेलीपोर्टेड फॉर्मेशन का यूज करके मैं आ चुका हूँ। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि बहुत बढ़िया और यही जो बंदा होता है वो ब्लैक होल का लॉर्ड होता है। और यहाँ पे जो झाओ यांग होता है वो कहता है तो तुम ही हो यहाँ पे ब्लैक होल के मास्टर।